हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजार शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो एक या दोनों फेफड़ों में मौजूद हवा की थैली यानी अल्वेओलाई को पानी या मवाद से भरकर सुझा देता है, जिससे मरीज को बलगम वाली खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये बीमारी एकदम छोटे बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग और पहले से किसी दूसरे बीमारी के मरीज के लिए ज़्यादा हानिकारक होती है। और ज़्यादातर टाइप के निमोनिया संक्रामक यानी एक से दूसरे को फैल सकते हैं। दोनों वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया छींकने या खांसने से दूसरे लोगों में फैल सकते हैं, लेकिन फंगल निमोनिया में ऐसा नहीं होता है। अब जानते हैं निमोनिया के टाइप के बारे में। निमोनिया 5 अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें पहला है बैक्टीरियल निमोनिया। इस टाइप का निमोनिया अलग अलग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें सबसे कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये आमतौर पर तब होता है जब जिस्म किसी तरीक़े से कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि बीमारी, न्यूट्रिशन की कमी, बुढ़ापा या जिस्म की लो इम्यूनिटी पावर, जिससे बैक्टीरिया फेफड़ों में चला जाता है। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर कोई शराब पीता है, धूम्रपान करता है, कमज़ोर है या हाल ही में किसी सर्जरी से गुजरा है, तो आपको श्वसन रोग या वायरल इन्फेक्शन है या आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो ये निमोनिया होने के चांसेस मरीज में ज़्यादा होते हैं। दूसरा टाइप का निमोनिया है वायरल निमोनिया। इस टाइप का निमोनिया इन्फ्लुएंजा के साथ अलग अलग वायरस के कारण होता है। यदि आपको वायरल निमोनिया है तो आपको बैक्टीरियल निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा निमोनिया का टाइप है मायोप्लाज्म निमोनी। इस टाइप के निमोनिया के कुछ अलग लक्षण होते हैं और इसे अटिपिकल निमोनिया कहा जाता है। ये मायोप्लाज्म निमोनी नाम के जीवाणु के कारण होता है। ये आमतौर पर हल्के परंतु बड़े पैमाने पर निमोनिया का कारण बनता है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। चौथा निमोनिया का टाइप है एस्पिरेशनल निमोनिया। इस टाइप का निमोनिया फेफड़ों में किसी भी खाने की चीज़, पानी या गैस या धूल के चले जाने से होता है। इसे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, एनारोबिक निमोनिया या एस्पिरेशनल निमोनाइटिस और एस्पिरेशन ऑफ वोमिटस के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिया के इस टाइप का डायग्नोसिस या इलाज बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को एस्पिरेशन निमोनिया हुआ है वो पहले से ही किसी दूसरे बीमारी के पेशेंट होते हैं। निमोनिया का पांचवा टाइप है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया ये आमतौर पर अलग अलग कवक यानी फंगस से होता है। फंगल निमोनिया के मामलों का निदान काफ़ी कठिन होता है। अब बात करते हैं निमोनिया के लक्षणों के बारे में। यदि आपको निमोनिया है तो आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स या सीने में इन्फेक्शन होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। निमोनिया का मुख्य लक्षण खांसी है। आप कमज़ोर और थका हुआ महसूस करेंगे। इनमें से कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बलगम वाली खांसी, बुखार और साथ में पसीना आना, मरीज को कपकपी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, तेज़ी से सांस चलना, भूख का कम लगना। इन लक्षणों के साथ साथ अगर निमोनिया ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो मरीज़ को दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज़ी से सांस लेना, उलझन महसूस होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, खांसी में खून का आना, धड़कन का अचानक बढ़ना, मरीज़ को मतली और उल्टी महसूस होना। कुछ लोगों को सांस लेते समय छाती में तेज़ दर्द भी महसूस होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फेफड़ों की पतली परत बाहरी आवरण में इन्फेक्शन और सूजन हो जाता है, जो आपको फेफड़ों को आसानी से काम करने में डिस्टर्बेंस लाते हैं। निमोनिया का लक्षण अक्सर छाती के दूसरे इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस के जैसा भी होता है। अभी ब्रोंकाइटिस क्या है तो इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ब्रोंकाइटिस को भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं निमोनिया के कारण के बारे में। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से निमोनिया हो सकता है। कई टाइप के जीवाणुओं से निमोनिया हो सकता है। ज़्यादातर मामले निमोनिया करने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरस का पता किसी भी टेस्ट से नहीं लग सकता, लेकिन आमतौर पर इसके पीछे वजह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया ही होता है। वहीं मायोप्लाज्म निमोनी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होने वाले मायोप्लाज्म निमोनी कभी कभी हल्का होता है और इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। और इन्फ्लुएंजा ए यानी फ्लू के वायरस से और रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV जैसे वायरस से भी निमोनिया हो सकता है। इनके साथ साथ जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम की समस्या है उन्हें भी जीवाणु के कारण निमोनिया हो सकता है, जैसे
सिस्टिस जिवोर की, ये एक फंगस है, अक्सर उन लोगों में इसका निमोनिया का कारण बनता है जिन्हें एड्स है। कुछ डॉक्टर्स इसके एचआईवी के मरीज को इसलिए निमोनिया का डाउट भी करते हैं। अब बात करते हैं निमोनिया से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक नया वैक्सीन आया है जिसका नाम है निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये वैक्सीन निमोनिया और मेनिनजाइटिस जैसे निमोकोकल रोगों से बच्चों को सुरक्षा करता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाती हैं। ये वैक्सीन 13 टाइप की अलग अलग निमोकोकल बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है जिसमें निमोनिया भी है। वहीं निमोनिया से बचने के कुछ तरीक़े भी है, जैसे कि वैक्सीन लें। कुछ टाइप के निमोनिया और फ्लू को रोकने के लिए मार्केट में वैक्सीन है। समय के साथ टीकाकरण बदल जाते हैं, इसलिए अगर आपने निमोनिया का टीका लगवाया भी है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में और एक बार डिस्कस करें। बच्चों का वैक्सीन ज़रूर दिलाएं। डॉक्टर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को और 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों को अलग अलग निमोनिया के टीके देखते हैं। वहीं साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अपने आप को सांस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने हाथों को नियमित तौर पर धोएं। वहीं धूम्रपान ना करें। धूम्रपान आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें, नियमित एक्सरसाइज करें और स्वस्थ आहार लें। अब बात करते हैं निमोनिया के डायग्नोसिस के बारे में। इसलिए डॉक्टर आपकी शारीरिक जांच करेंगे। आपके डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपके फेफड़ों की गति को सुनेंगे। यदि आपको निमोनिया है और आज तो जब आप श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़े कुछ अलग आवाज़ करते हैं, और अगर आपके डॉक्टर को आपके निमोनिया से ग्रस्त होने का संदेह है तो वो आपके छाती का एक्सरे करवा सकते हैं। वहीं कुछ रोगियों को दूसरे टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा CBC टेस्ट जिसमें मरीज की वाइट ब्लड सेल्स देखी जाती है जिससे मरीज के इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। वहीं CT स्कैन करने की भी ज़रूरत बहुत सारे मरीजों को पड़ती है। अब बात करते हैं निमोनिया के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। होम्योपैथिक में निमोनिया के लिए एकोनेट नेपालिस नाम की दवा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये दवा निमोनिया की अचानक होने वाली शुरुआती लक्षणों के मामले में सबसे अच्छी है। इसका उपयोग काफ़ी प्रभावी माना जाता है। अगर मरीज़ को नींद ना आना, भय और चिंता के साथ बेचैनी होना है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी होना, चेहरे का लाल गर्म और सूजा हुआ रहना, खांसने के बाद मरीज़ को सीने में झंझनाहट और दिल की धड़कन का बढ़ना महसूस होता है, यानी टैकेकार्डिया होता है। वहीं मरीज़ बारी बारी से तेज़ बुखार आना और ठंड लगने की कंप्लेन करता है। तंबाकू, धुआं और ठंडी हवाएं से मरीज़ के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो ऐसे हालत में निमोनिया में एकोनाइट काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरी दवा जो निमोनिया में काम आती है वो एंटीमोनियम टार्टरिकम। ये दवा विशेष रूप से वृद्ध लोगों और बहुत छोटे बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको ठंडा और पीला चेहरा हो गया हो, बहुत ज़्यादा बलगम बन गया हो, छाती और गले में जलन होती हो, सांस लेने में कठिनाई होती हो, साथ में मरीज़ को चक्कर आ रहे हो और मरीज़ के ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शन हो गया है, और रात में लेटते समय गर्म और ठंडे मौसम में मरीज़ के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो ऐसी हालत में दवा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। वहीं निमोनिया में तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो काम आती है वो एपिकैक। ये दवाई उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें निमोनिया के साथ साथ मतली या उल्टी की शिकायत है। ये अलग इसके भी लक्षण अलग अलग होते हैं मरीज में, जैसे कि चिड़चिड़ापन, आँखों के नीचे नीले घेरे दिखाई देना, सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार छाती में जकड़न महसूस होना, मरीज़ को लगातार छींके आना, घरघराहट वाली खांसी के साथ साथ मरीज़ को नाक से खून का आना, तेज़ खांसी का होना और गर्म हवा और बिस्तर पर लेटते ही तकलीफ का बढ़ जाना। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाई जो निमोनिया में काम आती हैं। इसके अलावा ये बहुत सी होम्योपैथिक दवाई निमोनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त रहते मिल सके। थैंक यू वेरी मच।